विपक्षी दलों के गठबंधन इंडिया को लेकर कांग्रेस उत्साहित है। कांग्रेस ने कहा है कि इंडिया गठबंधन का स्वरूप यूपीए जैसा ही होगा। वहीं बीजेपी ने कहा है कि विपक्षी दलों के गठबंधन का सिर्फ नाम बदला है और नाम बदलने से चरित्र और चेहरा नहीं बदलता। देश में यूपीए के बदले स्वरूप इंडिया को लेकर गठबंधन दलों में नई ऊर्जा दिखाई दे रही है। प्रदेश नेतृत्व ने ये साफ कर दिया है कि झारखंड में इंडिया गठबंधन का स्वरूप यूपीए की तरह ही होगा। एनडीए गठबंधन पर प्रदेश अध्यक्ष ने तंज कसते हुए कहा कि राज्य की एक दो पार्टियों को अपने साथ मिला ले तो उन पर अलीबाबा वाली कहानी फिट होगी और 40 दल शामिल हो जाएंगे। पार्टी ने दावा किया कि इंडिया गठबंधन देश की जनता का गठबंधन है और इस पर जनता ने मुहर लगा दी है। कई ऐसी भी पार्टियां गई जिसका कोई विधायक नहीं था, तो हमने सजेस्ट किया है कि अगर ऐसा ही है तो एक दो झारखंड में ऐसी पार्टियां बची है, अगर उसको ले लेंगे तो वो अलीबाबा वाली कहानी फिट बैठ जाएगी, 40 लोग पूरे हो जाएंगे, तो हम समझते हैं इंडिया तो यहाँ जीतेगा। तो मुझे लगता है जब से यह नाम सामने आया है पूरे गठबंधन का, सबसे अधिक अगर छटपटाहट किसी को है तो भारतीय जनता पार्टी के गठबंधन को है। उनको लगता है कि पहली हार इस गठबंधन ने हमें, पहली ही हार हमें दे दी है और हमें लगता है कि आम जनों के दिलों में यह बात बैठ चुका है कि यह जो यूपीए गठबंधन जो इंडिया गठबंधन के रूप में सामने आया है, हमें लगता है कि आम लोगों का गठबंधन हो चुका है, देश का गठबंधन हो चुका है और देश के लोगों ने इसे पहला मुहर मार दिया है। अब दूसरे मुहर मारने की जरूरत नहीं है, अब इसे आगे ले जाने की जरूरत है। तो दूसरी तरफ एनडीए ने भी बैठक की, इसमें बीजेपी के साथ आजसू पार्टी ने भी शिरकत। बीजेपी ने इंडिया नामकरण पर तंज कसते हुए कहा कि गठबंधन का नाम इंडिया नहीं बल्कि INDIA है, इसलिए इसका कोई अर्थ नहीं है। नाम बदलने से चरित्र और चेहरा नहीं बदलता। नाम बदलने से चेहरा और चरित्र नहीं बदल जाता। और आज जो आप बोल रहे हैं कि इंडिया बोला जा रहा है, तो ये शॉर्ट फॉर्म है, इनका पूरा है INDIA। तो जिस तरह से हम लोग यूपीए को आप क्या पढ़ते हैं, एनडीए को आप क्या पढ़ते हैं, तो ये लोग तो छद्म उपयोग हमेशा शुरू से करते आया है जनता को भ्रम डालने के लिए, और ये भ्रम डालने का ये लोग प्रयास करता है। वास्तव में जो इनका चेहरा है, जो इनका चरित्र है, वो थोड़े दिनों में सामने आएगा। तो नाम आप कुछ भी रख लें नाम, लेकिन जो आप इंडिया कह रहे हैं, इनका वास्तविक जो इंडिया है वो तो इंडिया है नहीं, इनका अलग अलग है, ये उसका शॉर्ट फॉर्म है। तो जिस तरह से आप यूपीओ को देखते हैं, जिस तरह से आप एनडीए को देखते हैं, उसी तरह से आप इनका इसको भी देखिए। इंडिया गठबंधन में शामिल राजनीतिक दलों में नई ऊर्जा का संचार देखा जा रहा है, तो दूसरी तरफ बीजेपी में भी गठबंधन की बैठक के बाद गर्माहट है। अब देखना होगा कि आगामी चुनावों में किस गठबंधन को कितनी सीटें मिलती है। रांची से कैमरामैन राजा और रिंकू के साथ विपिन उपाध्याय और राजेश कुमार की रिपोर्ट। और एक बार फिर से जुड़ेंगे, सहयोगी राजेश हमारे साथ मौजूद है। राजेश, नए गठबंधन को लेकर कांग्रेस उत्साहित है, लेकिन इंडिया गठबंधन पर सियासी महाभारत भी शुरू हो गई है। देखिए, अब बीजेपी को लग रहा है कि जो INDIA है ये उस इंडिया का प्रतिरूप नहीं है, ये महज एक एब्रिविएशन है। इंडिया जो है भारत है, जो हमारे संविधान में भी उसका उल्लेख है। आप देखें कि जब से ये टर्म आया है कल से, उसके बाद से जो इसके विरोधी हैं, यानी बीजेपी कहें, बीजेपी के साथ रहने वाले लोग के बयान आ रहे हैं कि ये बिल्कुल गलत है और इसमें जो है कुछ नहीं है, ये इंडिया, भले जो विपक्ष के लोग हैं जिन्होंने इस टर्म को ईजाद किया है, वे लोग इंडिया इंडिया कर रहे हैं, लेकिन ये असल में INDIA है, इसका लोग अलग अलग अपना विश्लेषण कर रहे हैं। दरअसल जैसे कहा जा रहा है, बीजेपी नेताओं का कहना है कि यूपीए को उपा नहीं कहा जाता और एनडीए को
एंडा नहीं कहा जाता, इसलिए इसे इंडिया नहीं कहा जा सकता। ये तर्क है बीजेपी नेताओं का। और देखिए राजनीति है, अब शब्द जिस उत्साह और उमंग के साथ इन लोगों ने कल बेंगलुरु में इस शब्द को ईजाद किया और लगा कि पूरी इंडिया जो है, पूरा देश जो है, इससे रिप्रेजेंट हो रहा है और जो लक्ष्य है 2024 का वो उसे पाने में सफलता मिल जाएगी, चूंकि इंडिया के खिलाफ कौन लड़ेगा। तो जो आपके सामने हैं, यानी जो अभी केंद्र में सत्ता पक्ष के लोग हैं, वो भी इसका काट ढूंढते रहते हैं कि आखिर क्या है। तो दोनों तरफ से बातें हो रही है, कहीं कहा जा रहा है कि इंडिया इंडिया की बात है, तो बीजेपी के लोग कह रहे हैं INDIA है, और इसका जो यूपीए के लोग हैं उन लोगों ने अपना एब्रिविएशन जो किया है उसका दिया भी है, इंडियन नेशनल डेमोक्रेटिक इंक्लूसिव अलायंस, ये किया है, इसका शॉर्ट फॉर्म इन लोगों ने ये दिया है। तो ये अब इस पर चर्चा हो रही है कि क्या है नहीं है। अभी तो मैं देख रहा था सोशल मीडिया पे एक बात कि इसको लेकर जो हमारा ध्वज है उसको एक जो संहिता है हमारे पास कोड है 1922 का, उस पर भी कहा जा रहा है कि इंडिया का यूज कोई राजनीतिक दल नहीं कर सकता है। तो ये एक विषय है, अब इस पर भी चर्चा होगी, हो सकता है ये मामला कोर्ट में भी चला जाए। तो भारत में राजनीति ऐसे भी होती है, जमीन से उठकर कोर्ट तक जाती है, कोर्ट में फिर मामले आते हैं, फिर कोर्ट उस पर निर्णय लेता है, फैसला लेता है और कुछ दिशा निर्देश जारी करता है। तो अब देखना है इस टर्म को लेकर क्या आगे करना है होता है। लेकिन जो यूपीए के लोग हैं जिन्होंने इंडिया का टर्म निकाला है, वे लोग काफी उत्साहित है कि बहुत अच्छा शब्द मिल गया है, और ममता बनर्जी ने संभवतः कल की जो बैठक थी वहां इसको एक्सप्लेन किया था। और यह भी कहा जा रहा है कि बिहार के जो मुख्यमंत्री हैं नीतीश कुमार, इससे नाराज हैं, ये बातें आ रही है। और उस समय उन्होंने शायद उनको ये पता नहीं था कि ये टर्म यूज किया जाएगा, लेकिन ममता बनर्जी ने खुलेआम घोषणा कर दी कि ये इंडिया है और उसका उन्होंने फुल फॉर्म भी बता दिया। अभी जो सूत्रों के हवाले से खबर आ रही है कि नीतीश कुमार इसके पक्ष में नहीं है, क्योंकि इसमें NDA भी है, NDA का भी लेटर है, आप देखिए INDIA है तो उसमें NDA भी आ जा रहा है, तो इसलिए उनकी ये आपत्ति। और उन्हें शायद ये भी लगा है कि ये अप्रोप्रिएट वर्ड नहीं है एक अलायंस के लिए। अब देखिए आगे क्या होता है। और जो अलायंस कल बैठक हुई थी बेंगलुरु में, वहां तो कुछ विवाद भी आए हैं सामने। किसी ने कहा है कि ममता बनर्जी कभी कोई भरोसा नहीं, कब बीजेपी के साथ चली जाए। उधर पंजाब को लेकर भी कहा जा रहा है कि आप और कांग्रेस में वहां पर कैसे तालमेल बैठ सकता है। तो ये चीजें अभी चलेंगी, चूंकि चुनाव है, अलायंस की अभी राजनीति चल रही है, अलायंस को पुनर्गठित किया जा रहा है। आपने देखा कि NDA की भी एक बैठक हुई दिल्ली में, और उसमें 38 दलों के लोग शामिल हुए। 38 दलों में 25 ऐसे दल थे जिनके एक भी सांसद नहीं है लोकसभा में, क्षेत्रीय पार्टियां हैं, कुछ ऐसे नाम हैं जो हम आप भी नहीं जानते हैं। तो महज आप 13 जो दल हैं उनके सांसद हैं अभी वर्तमान में, और 25 ऐसे दल जिनके का कोई रिप्रेजेंटेशन पार्लियामेंट में नहीं है, उन लोगों के साथ आप चुनाव लड़ने की तैयारी हो रही है। और यह लक्ष्य निर्धारित किया गया है कि 2024 का चुनाव नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में लड़ा जाएगा और एक बड़ा लक्ष्य हासिल किया जाएगा। और इस पहले से यानी 2019 की तुलना में ज्यादा सीटें आएंगी, ये दावा किया जा रहा है। अब देखिए इंडिया है, INDIA है या फिर अब NDA है, इनके बीच अब भिड़ंत होने वाली है। अभी तो जुबानी भिड़ंत हो रही है, अलग अलग विषय को लेकर चला जा रहा है। तो अब देखना होगा कि क्या होता है इसका परिणाम। तो गठबंधन में देखते हैं कि अब चुनाव तक ये गठबंधन रहता है, ये टूटता है, क्योंकि आपस में भी मनमुटाव हो रहे हैं, और इंडिया शब्द को लेकर जो NDA है वो भी इसके अगेंस्ट नजर आ रही है। अब देखना ये होगा कि ये गठबंधन इस नाम के साथ रह पाता है, नहीं रह पाता है, क्या कोई केस होते हैं, क्योंकि इंडिया शब्द भारत का है और ये कोई पार्टी यूज नहीं कर सकता है। वो क्या दलील देते हैं जो गठबंधन है, वो देखना दिलचस्प होगा। बहुत बहुत शुक्रिया आपका राजेश तमाम जानकारियों। लाइक एंड शेयर वीडियोस, सब्सक्राइब करें हमारा चैनल और प्रेस करें बेल आइकॉन। News 11 भारत, सच है तो दिखेगा।